Hey, welcome and namaskar and radhe radhe to all. I am Disha and this is your class 12th Computer Science 083. In the previous session, we have completed the chapter 1 and one topic of chapter 2. In this session, we are going to be complete the second part of chapter 2, that is Python's built-in string manipulation methods. लास्ट चैप्टर में मैंने आपको चैप्टर 2 का स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन दिया था कि स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग जो है वो कैसे वर्क करती हैं। इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग आपको पता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं, हम स्ट्रिंग बोलते हैं उसको। अगर आपने मेरी प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास देखिए, जाके आपको समझ में आएगा पूरा स्ट्रिंग क्या होता है। उसके बाद ही वाला सेशन कंटिन्यू करिएगा, ओके? ठीक है, तो इतना कंप्लीट करने के बाद में हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्ट्रिंग के मैथड से। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैथड है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या होता है? कैपिटलाइज मीन्स मैंने फर्स्ट लेटर क्या लिखा है, स्मॉल। ये हमारा कैपिटलाइज फंक्शन अगर हम यूज करते हैं तो हमारे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या कर देगा, ये कैपिटल कर देगा। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाएगा वो भी हम देखेंगे। हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें असाइन कराया क्या, आई लव माई इंडिया, ओके? इतना असाइन कराने के बाद में मैंने क्या किया, एंटर की प्रेस की। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया एल नाम का और फिर असाइन कराया क्या, जो फंक्शन मुझे अप्लाई करना है। मैंने स्ट्रिंग ए के ऊपर अप्लाई करना था डॉट। ये सिंटेक्स ये आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम आता है जो वेरिएबल आपने ऊपर लिया हो, डॉट कंपल्सरी है आपका आएगा, और यहाँ पे जो फंक्शन आप ले रहे हो उसका नाम। कैपिटलाइज हमने लिया है तो कैपिटलाइज का यहाँ पे हम लोग नेम लिख देंगे, और पैरेंथेसिस हर फंक्शन में लगता है, चाहे आप स्ट्रिंग का यूज़ करें, चाहे लिस्ट का, चाहे टपल का, चाहे डिक्शनरी का, किसी का भी फंक्शन यूज़ करें, पैरेंथेसिस लगेगा। फंक्शन हमने यूज़ कर लिया और फंक्शन को यूज़ करके हमने असाइन किस में कराया उस फंक्शन को बेटा, उस फंक्शन को हमने एल में असाइन कराया, इसलिए हम प्रिंट क्या करेंगे, एल। ठीक है, इतना कंप्लीट किया हमने और F5 प्रेस किया, क्या हुआ, फर्स्ट लेटर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अगर हम इसको एज्यूम करो, मैम हमारा पहले से ही कैपिटल है ये, तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये क्या करता है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल, इसका कभी प्रोग्रामिंग में ही पूछा जाता है बेटा कि ऐसा प्रिंट करना है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना है, तब हम इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ओके? इससे छोटे छोटे ये फंक्शंस जो है ये सारे हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इतना क्लियर है। अब हम सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है बेटा, फाइंड करना, कोई स्ट्रिंग में से कोई एक नंबर और उसका प्लेस फाइंड करना। जैसे मैंने ए नाम का फिर एक वेरिएबल लिया और मैंने उसमें फिर लिख दिया क्या, आई लव माई इंडिया। ठीक है मैम, रिपीट किया हमने, आई लव माई इंडिया, ओके। उसके बाद मैंने एल नाम का फिर एक वेरिएबल लिया, सॉरी यहाँ पे हमें सब नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर हमें ये असाइन करना पड़ेगा कि हमें फाइंड क्या करना है बेटा। तो हमें फाइंड क्या करना है, माय फाइंड करना है, तो मैंने उसको यहाँ मैसेज दे दिया कि माय फाइंड करना है। हर एक फंक्शन का एक अलग सिंटेक्स होता है और सिंटेक्स याद करना बहुत ज़रूरी, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले याद करते हो ना आप लोग बेटा, वैसे ही पाइथन में हमें सिंटेक्स याद करने होते हैं, ठीक है? तो सब में हमने क्या ले लिया, जो हमें फाइंड करना था। यहाँ ये आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको फाइंड करना है, जिसकी प्लेस वाली आपको फाइंड करनी है वो यहाँ लिख सकते हो। अब मैंने फिर एल नाम का एक वेरिएबल लिया, मुझे एल बहुत कन्वीनियंट लगता है इसलिए मैं ले लेती हूँ हर बार। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, A to Z कोई भी ले सकते हो। वेरिएबल की बस कंडीशन है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने एल नाम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए को फाइंड किया, मैंने ए को फाइंड किया, और फाइंड करते हुए मैंने लिखा कि मुझे फाइंड क्या करना है, सब, यानी माय फाइंड करना है, और रेंज लिखनी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक की रेंज है। तो बेटा रेंज के लिए मैंने आपको काउंट करनी बताई थी, स्ट्रिंग कैसे काउंट करते हैं, पहले ये जीरो हो जाएगा, फिर ब्लैंक स्पेस 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, ये 9, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 4 से लेके 10 तक की रेंज ले लेते हैं, ठीक है? 4 से लेके 10 तक की रेंज हमने क्या ले ली।
अब हमने प्रिंट क्या कराया, फंक्शन हमें प्रिंट कराना है, और हमने किसके अंदर असाइन कराया है फंक्शन, इस एल के अंदर असाइन कराया है, तो हमने एल को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एल, और हमने इसको सेव कराया और फिर हमने रन किया तो क्या आ गई, माई की प्लेस वैल्यू 7 निकल के आ गई। कैसे आई 7, फिर काउंट कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ये क्या है 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या है 7, क्लियर है। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू निकल के आ गई। ये सिंटेक्स आपको लर्न करके रखना है बेटा कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं इसको। इतना समझ में आया, चलो सेकेंड फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं, सॉरी थर्ड फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। थर्ड फंक्शन में क्या बताया गया है, थर्ड फंक्शन में हम देखेंगे कि हमने जो भी वेरिएबल लिया है और उसके अंदर जो वैल्यू असाइन की है वो न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक है या डिजिट है, अल्फा बीटा डिजिट है या अल्फा न्यूमेरिक है। मीन्स जो हमने ए के अंदर वैल्यू असाइन कराई है वो हमारी क्या है, या तो अल्फाबेट है या फिर क्या है न्यूमेरिक है या फिर क्या है अल्फा न्यूमेरिक है, ये कैसे बताएगा। तो उसके लिए फंक्शन हम लेते हैं। फिर हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया बेटा, ठीक है, और उसमें हमने क्या ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया लाइक माई नेम। ओके, ये हमने क्या ले लिया, उसके अंदर असाइन करा लिया, ठीक है। अब मैंने इस फंक्शन को चेक किया, रिजल्ट आपको ट्रू फॉल्स में देगा बेटा, ओके। अगर हमने टेस्ट किया है, जैसे कि मैंने क्या लिया, ए नाम का वेरिएबल लिया था, एल किया, उसके अंदर असाइन कराया और मैंने यहाँ लिया कि जो ए है वो कैसा है बेटा, इस नोमैरिक, तो मैंने यहाँ सर्च किया इस, या फिर हम पहले स्ट्रिंग दे रहे हैं ना, तो पहले हम स्ट्रिंग लेते हैं, इस अल्फा, तो हमने क्या यहाँ पे लिख लिया कि ए जो है डॉट वो अल्फा है, और पैरेंथेसिस से फंक्शन को क्लोज किया और प्रिंट करवाया क्या एल। अगर ये अल्फाबेट होगा तो ट्रू कर देगा, और नहीं होगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। ये अल्फाबेट था इसलिए उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे ये ले लेती हूँ कि मैंने यहाँ लिखा दिशा और 1, 2, 3 मेंशन कर दिया ऐसे ही रेंडम कोई भी नंबर, और उसमें अब ये कैसा हो गया बेटा, अल्फा नुमेरिक हो गया है। तो अब इसको हम रन करेंगे तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ये अल्फाबेट नहीं है, ये क्या हो गया, अल्फा नुमेरिक हो गया, इसलिए फॉल्स आ रहा है, क्लियर है। आप एल्ट प्लस टैब से स्विच कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बार बार आप उसको ओपन करो क्लोज करो, जरूरी नहीं है। आप कीबोर्ड से जितना हो सकता है उतना काम किया करिए अगर आपको फ्लुएंट टाइपिंग चाहिए तो, ठीक है। ये हमने किया इतना, अब हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं इसकी। मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने क्या असाइन कराया, डिजिट, पर ये अभी भी डिजिट नहीं है जब तक हम इसकी इनवर्टेड कॉमा नहीं हटा देते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया इस डिजिट और नॉट, तो ये हमें किस में रिजल्ट देगा, ट्रू और फॉल्स में, हमारे से कोई गलती हुई है, ठीक है, उसको हम दोबारा रन करते हैं, ओके, ठीक है। हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें हम लोगों ने क्या किया बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हमें लिखना था, ठीक है, वो हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमने स्ट्रिंग ली है, एल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे हमने ए डॉट किया और यहाँ पे फाइंड किया इस डिजिट, ये डिजिट है या नहीं है, और यहाँ पे प्रिंट किया क्या एल, देखते हैं अगर एरर दे रहा है कि नहीं। इंट हैज नो एट्रीब्यूट इज डिजिट, क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, ए डॉट इज डिजिट और नॉट, स्ट्रिंग टू इज डिजिट और नॉट, ठीक है ठीक है। आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है यहाँ पे, ठीक है, इतना याद रखिएगा, चाहे आप स्ट्रिंग ले रहे हो या फिर डिजिट ले रहे हो। अब यहाँ पे क्या डिजिट था तो क्या आ गया, इस डिजिट, अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिक वो अल्फाबेट लिख देते तो क्या हमारा रिजल्ट आ जाता, सॉरी एक मिनट, इसको हम दोबारा रन कराते हैं, ये हमारा क्या है बेटा, ट्रू है, ट्रू आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे डिजिट ना हो के अल्फाबेट होता और इस डिजिट करते तो क्या हो जाता हमारा, फॉल्स हो जाता। चलो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, लेटर ले लिया ए बी सी, और इसको सेव करा के जैसे हमने रन किया ये वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और रह गया है अल्फा नुमेरिक,
तो यहीं पे हम लोग चेंज कर देंगे इज किया अल्फा न्यूमेरिक. उसके लिए हमें क्या करना है, इज ए एल और उसके बाद एन यू एम. ठीक है, अब हमने इसको जैसे ही रन किया बेटा, ये हमारा ट्रू आ गया. देखो अल्फा न्यूमेरिक में हमारा क्या होता है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों चीज़ें आती हैं, तो दोनों ही चीज़ें हर केस में क्या होती हैं, यहाँ पे ट्रू होती हैं. बट फॉल्स किस केस में होती है बेटा हमारी, अल्फा न्यूमेरिक अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, ये ले लिया ए बी सी ले लिया और यहाँ पे क्या कहती है 1 2 3 ले लिया. ठीक है, इतना हमने कर दिया है. अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो हमारा वैल्यू है वो अल्फा न्यूमेरिक है. एक एक मिनट, जो वैल्यू वो हमारी अल्फा न्यूमेरिक है, ए बी सी है, 1 2 3 है, तो अल्फाबेट भी है और क्या है बेटा न्यूमेरिक भी है, तो दोनों वैल्यू इसमें आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो हमारा ट्रू हो गई होगा. बट अगर हम इसमें अल्फाबेट लेते हैं तो भी ये क्या होगा, ट्रू होगा. बट अगर हम इसमें सिर्फ नंबर लेते हैं तो भी ये क्या होगा बेटा, ट्रू ही होगा. क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में न्यूमेरिक भी आ रहा है और अल्फाबेट भी आ रहा है. बट ये फॉल्स किस कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि अल्फाबेट ले रहे हैं तो भी ये ट्रू हो रहा है, नंबर ले रहे हैं तो भी ये ट्रू हो रहा है, अल्फाबेट और नंबर दोनों ले रहे हैं तो भी ये ट्रू हो रहा है, तो ये इस कंडीशन में ये क्या आता है, फॉल्स आता है. ब्लैंक नहीं होना चाहिए, या तो अल्फाबेट होना चाहिए या नंबर होना चाहिए, या अल्फाबेट या नंबर होना चाहिए. क्लियर है इतना, समझ में आया? ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है स्पेस के ऊपर, कि हमारे स्ट्रिंग में स्पेस है या नहीं है, ये ट्रू और फॉल्स से वो बताएगा. तो हमने क्या लिया, फिर से ए नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने क्या किया, कुछ भी असाइन नहीं कराया. क्या करा दिया, सिर्फ स्पेस दे दिया. ठीक है, और हमने क्या किया, एल नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें ए डॉट क्या चेक किया, इज स्पेस, इज स्पेस. ठीक है, और पैरेंथेसिस तो हमारा लगते ही है बेटा, क्यों लगता है, क्योंकि फंक्शन है भाई. और इसके बाद हमने प्रिंट क्या कराया, वही एल. ठीक है, और इसको सेव किया तो क्या आया, ट्रू, क्योंकि स्पेस था भाई. ये हमारा क्या है, आपको पता है स्ट्रिंग में स्पेस काउंट होता है, बट अगर मैं इस स्पेस को खत्म कर दूँ और उसके बाद मैं इसको रन करूँ तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, बिकॉज देयर इज नो स्पेस. क्लियर है इतना? ओके, अब हमारी स्ट्रिंग जो है वो अपर केस में है, लोअर केस में है, या फिर हमारी क्या है, लिटिल है, ये कैसे पता पड़ेगा? अच्छा, लिटिल और लोअर केस में क्या डिफरेंस हो जाएगा मैम? तो फिर हम देखते हैं, जैसे कि हमारा जो मतलब एग्जाम्पल के लिए, हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं कि हमारा इज लिटिल में और लोअर में. देखो लोअर हमारा केस क्या होता है, जो सारे लेटर क्या हों हमारे बेटा, लोअर केस में हों, यानी सारे स्मॉल लेटर में हों. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ लिखा एच ई ट्रिपल एल ओ, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, लोअर केस का एग्जाम्पल है. बट वहीं मैं कैप्स लॉक ऑन करके इसको ऐसे लिख दूँ तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, अपर केस का एग्जाम्पल हो गया. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, लिटिल की. लिटिल का मीन्स क्या होता है, जिसमें वर्ड का, जैसे मैंने यहाँ लिखा हेलो, हेलो आई एम दिशा, इसमें सारे लेटर क्या है, अपर केस में. अगर मैं इसको क्या कर दूँ, सारे लेटर स्मॉल कर दूँ तो क्या हो जाएंगे, लोअर केस में हो जाएंगे. लिटिल में क्या होता है, जैसे कि पहला लेटर कैपिटल और सारे लेटर क्या हो गए, स्मॉल. ठीक है, पहला लेटर कैपिटल ये स्मॉल, पहला लेटर कैपिटल ये स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा. बट इन केस यहाँ पे क्या हो गया, आई एम, ये अगर हो गया है तो हमारा क्या होगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा, लिटिल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाएगा. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं बेटा, एक एक चीज़ सारे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको हटाया पहले तो, और हमने यहाँ पे लिखा ए नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे कि हेलो आई एम दिशा. ठीक है, अब मुझे चेक करना है, मैंने एल नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें फिर क्या किया, यहाँ पे ये देखा कि आपका जो ए है, ए डॉट एस एल ओ डब्ल्यू ई आर लोअर, और प्रिंट क्या किया एल. अगर ये लोअर केस में होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, तो क्या आया आपका, फॉल्स आया. इसको दोबारा से रन कराते हैं हम, इसको हमने फिर रन कराया,
फॉल्स आया। क्यों आया? क्योंकि सारे लेटर आपके लोअर केस में नहीं थे बेटा। अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने सारे लेटर जो हैं वो क्या कर दिए, लोअर केस में कर दिए, जैसे कि एच ई डबल एल ओ हेलो आई एम दिशा। तो अभी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चा, ये हमारा हो जाएगा ट्रू, क्योंकि सारे लेटर लोअर केस में। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इस लोअर की जगह इस अपर, तो अपर वाला फंक्शन हमारा लग जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही हम इसको देखेंगे ये हमारा फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि सारे लेटर लोअर केस में, अपर केस में है ही नहीं। और अगर मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देती हूँ बच्चा, हेलो अपर केस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सारे लेटर क्या है हमारे, अपर केस में। इस लिटिल का एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एल आई डबल टी एल ई, इस लिटिल में क्या होता है, सारे लेटर हमारे कैपिटल, ईच वर्ड कैपिटल होना चाहिए, जैसे कि एच ई डबल एल ओ हेलो आई एम डी आई एस एच ए। अब ये जो आएगा रिजल्ट, एक मिनट, ओ सॉरी, यहाँ पे मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इस डी आई टी एल इस टाइटल होगा, ओके। जैसा उसने एरर दिया वैसे ही याद आया कि हमारा इस टाइटल फंक्शन होता है। देखो यहाँ पे हम अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वो हमें तुरंत एरर दे देता है कि इस टाइटल होगा, इस लिटिल नहीं होगा। उस समय मैंने जब पढ़ा होगा तो मुझसे जल्दीबाजी में लिटिल पढ़ गया हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल नहीं है। मैं इसको कैपिटल कर देती हूँ, और यहाँ पे भी इसको क्या कर देती हूँ, कैपिटल कर देती हूँ, ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। समझ आया? आज के लिए हम लोग इतने ही फंक्शंस रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग थोड़े बहुत और फंक्शंस पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ठीक है। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो उन्हें स्टार्टिंग से देखिए, फिर वाली क्लास भी आप कंप्लीट समझ में आएगा, और पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है। क्लियर है? ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू।